हमारे पृथ्वी पर हजारों जाति के जानवर मौजूद हैं। उसमें से एक है कंगारू। तो आइए दोस्तों, कंगारू की कुछ रोचक जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कंगारू एक एकलौता जानवर है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिवाय कंगारू दुनिया के किसी भी हिस्से में पाए नहीं जाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की संख्या वहां की मनुष्य आबादी से भी ज्यादा है। कंगारू की पिछली टांगे लंबी और मजबूत होती है, जिसकी सहायता से वो उछल उछल कर चल सकते हैं। वो अपने बच्चों को अपने पेट के पास बनी हुई एक थैली में रखकर चलते हैं। कंगारू में लाल कंगारू सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है, जिसके सिर से लेकर उनके पिछले हिस्से तक की लंबाई 3 से 5.5 फीट तक होती है। उनका औसतन वजन 90 किलो तक होता है। कंगारू एकलौते जानवर है जो जमीन पर चल नहीं सकते, वो कूद कर ही आगे बढ़ते हैं। इनकी पिछली टांगे इन्हें ऐसा करने में सहायता करती है। कंगारू 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार में 15 फीट यानी कि 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। कंगारू उछलते समय अपनी पूंछ से संतुलन बनाए रखते हैं और बैठते समय इसी से टेक कर इस प्रकार बैठे रहते हैं मानो कुर्सी पर बैठे हो। कंगारू सामाजिक प्राणी होने के कारण समूह में रहना पसंद करते हैं। समूह में रहते समय ये एक दूसरे की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं। अगर इन्हें किसी खतरे का आभास होता है तो ये अपने पिछले दोनों पैरों को जोर से जमीन पर मारते हैं ताकि दूसरे साथियों को सावधान किया जा सके। कंगारू शाकाहारी होने के कारण आमतौर पर घास, फूल और पत्ते खाते हैं। कई बार ये गलती से कीड़ों को भी खा जाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि कंगारू कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। भले ही कंगारू शाकाहारी है, लेकिन इनका मांस ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े चाव से खा जाते हैं। कंगारू इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इनमें मादा अपने बच्चों को थैली में रख सकती है। एक मादा कंगारू 21 से 38 दिन तक गर्भवती रहती है और एक बार में यह 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। उत्तर पश्चिम क्वींसलैंड में 2 करोड़ साल पुराने छोटे छोटे कंगारुओं के जीवाश्म पाए गए हैं, जो यह बताते हैं कि कंगारू प्रजाति बहुत पुरानी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।